आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको स्पेशल कढ़ी बता रही हूँ। ये कढ़ी तो आपने कभी नहीं खाई होगी। आपने कढ़ी तो बहुत खाई होगी पर इस तरह की कढ़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। देखिए, मैं अपनी गैस चालू कर रही हूँ। इस कढ़ी को एक बार बनाइए ज़रूर। आपका पूरा परिवार ही बड़ा आनंद ले लेकर इस कढ़ी को खाएगा। हम लोगों के समय में बरसात में सब्जियां नहीं मिलती थी। कोई भी हरी सब्जी बरसात में उपलब्ध नहीं रहती थी। तब हमारी माँ वगैरह इस तरह की कढ़ी बना लेती थी, क्योंकि मठा तो हम लोगों के समय में पर्याप्त मिलता था और खाने में भी हम लोग बहुत ही अधिक मात्रा में मठा खाते थे। ये मैंने एक चम्मच ही तेल ले लिया है। अब देखिए, ये मेथी, ये राई और ये कड़ी पत्ता। मैं कड़ी पत्ता अपने तेल में डाल रही हूँ। मैं इसमें राई और मेथी डाल रही हूँ। ये देखिए, इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात के दिन में बादी बहुत अधिक होती है। इसलिए हमें इसमें थोड़ी सी चौथाई चम्मच के करीब हींग डालना पड़ती है। आप अपने स्वाद के अनुसार ही हींग को डालिए। ये मैंने हींग डाल दी है। मेरी कड़ी पत्ता वगैरह हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी लहसुन की पोथी जो मैंने काट ली थी वो डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। अब लहसुन थोड़ा सा हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा अदरक, मैंने एक टुकड़ा अदरक ले लिया था और इसको अच्छे से काट लिया था, मैं इसमें अब अदरक डाल रही हूँ। ये मैंने अदरक डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक गठिया के अंदाज की प्याज मैंने ले ली थी एक गठिया और उसको पतला पतला काट लिया था, मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें अपनी प्याज डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ही चलाऊंगी, प्याज ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। प्याज से क्या है कि अगर हम इसको लाल करते हैं तो इसका जो है तत्व ख़त्म हो जाती है। तब तक मैं अपने बेसन को तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक कटोरा ले लिया है। इसमें मैं एक गिलास मठा डाल रही हूँ। गिलास मठा बहुत ही खट्टा है, इसलिए हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। ये मेरे घर का ही तैयार किया हुआ मठा है। अब मैं इसमें एक गिलास के अंदाज का पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि मठा बहुत खट्टा है। ये मैंने इसमें मठा डाल दिया है। ये देखिए, मेरी प्याज भी हल्की सी हो गई है। मैंने ये दो बड़े बड़े आलू ले लिए हैं। अब मैंने इनको बड़ा बड़ा ही काट लिया है, क्योंकि आलू नहीं तो जब तक हमारी कढ़ी बनेगी तब तक ये घुल सकती है। मैं इसमें अपने आलू डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें अपने आलू डाल दिए हैं। मेरे आलू नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसमें जब तक बेसन डाल लेती हूँ। ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से हिला लूँगी, क्योंकि बेसन में गुठली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेसन में गुठली होगी तो हमारा बेसन
ख़राब, हमारी कढ़ी ख़राब हो जाएगी, कहीं चल जाएगी और कहीं बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। ये देखिए, ये देखिए मेरे आलू तले जा चुके हैं। अब मैं इसमें अपनी घोल को डाल रही हूँ। ये मैंने अपना पूरा घोल उसमें डाल लिया है। ये देखिए, मुझको इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो कढ़ी नीचे लग जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च, ये है पुदीना, इसमें डालिए आप पुदीना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और जो है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमें हल्दी पाउडर डालना पड़ेगी। हम इसमें भजिया नहीं डालेंगे, ये है 1 चम्मच नमक, मठा में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। हम अपने मठे में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आप इसमें लाल मिर्च भी डालिए तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी कढ़ी बनती है। अब ये मेरी कढ़ी खोलने लगेगी तो मैं इसको अपने ढक्कन से ढक के कम 15 मिनट तक इसको चलाऊंगी। धन्यवाद।